नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपका दोस्त चलते हैं आज की बहुत शानदार क्लास के साथ आरंभ एग्री प्लेटफॉर्म पर, और निरंतर आपकी आपको जहाँ से भी अच्छा स्रोत पढ़ने को मिले आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आज के ज़माने में आपको बहुत कुछ निःशुल्क मिल रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। तो अपन सीधे चलते हैं आम की तरफ, मैंगो की तरफ। मैंगो होता क्या है आप सब जानते हैं, अभी अभी वर्तमान में मैंगो की आपने चुस्की ली होगी, मैंगो सेक पिया होगा, मैंगो खाया होगा, दशहरी, लंगड़ा, अचोसा, मतलब सारी तरह की वैरायटी आप मतलब मार्केट में नाम सुनते होंगे, लेकिन जनरली दशहरी का नाम सुनते हैं, केसर का नाम सुनते हैं, मल्लिका का नाम सुनते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, वैरायटी होती है, और सब वैरायटी के अलग अलग लक्षण होते हैं। तो चलो फलों का राजा किसे बोलते हैं, आम को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलों का राजा आम को ही बोलते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार आम की होती है। किसकी होती है, आम की होती है। तो पहला ही अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ पे नजर जाएगी उसकी कि मेंजीफेरा इंडिका एल, ऐसे चार फलों के नाम देगा। क्या देगा, काजू का भी इसी कुल से संबंध होता है, काजू होता है ना, उसका कुल भी इसी से संबंधित होता है, और ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि मैंगो कुल यानी कि आम के फैमिली, एक विशेष प्रकार की फैमिली होती है, विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं उस फैमिली के, जिसमें विशेष करेक्टर्स यानी कि लक्षण होते हैं उस पौधे के। तो उसी प्रकार एक काजू होता है, जिसे कटहल भी शायद एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे पौधे होते हैं जो, कौन कौन से पौधे होते हैं पर मुझे एग्जैक्ट ये पता है कि काजू और मैंगो एक ही फैमिली से रिलेटिव है। तो इसका जो बोटनिकल है, इसे कहते हैं अपन बोटनिकल, यानी कि जब अगर इसको पूरे संसार में किस नाम से जानते हैं, आम तो अपन अपने भारत में वो बोलते हैं, लेकिन इसको विदेशों में किस नाम से जानते हैं, तो बोटनिकल इसका जो कि एक विशेष प्रकार की जाति का नाम है, बोटनिकल मेंजीफेरा इंडिका एल। इसका क्या नाम है, इसका बोटनिकल नाम है मेंजीफेरा इंडिका एल, यानी कि मेंजीफेरा इंडिका एल। इसकी कुल यानी कि फैमिली कौन सी, एना कार्डियसी, यानी कि मैंगो कौन से, यानी कि आम कौन से कुल का है, तो एना कार्डियसी कुल का है। गुणसूत्रों की संख्या बात करें, मानव में आपको पता है 46 होते हैं, तो मैंगो में 40 होते हैं, यानी कि 6 कम होते हैं। कितने, मैंगो में मानव से 6 कम होते हैं, मैंगो में मानव से 6 कम होते हैं, मैंगो में मानव से यानी कि मनुष्य से 6 कम होते हैं। जो वीट होता है उसमें 46 होते हैं, गेहूं के अंदर उसमें 46 होते हैं, और आम में 40 होते हैं। तो मैंगो में कितने होते हैं, 40 क्रोमोजोम नंबर होते हैं। इसका होरिजन यानी कि इसका सेंटर ऑफ होरिजन यानी कि इसकी जो कहते हैं ना, किसी के पुत्र की जन्मस्थली तो पूछते हैं आपका जन्म स्थान की, जैसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बारा है, कोटा है, झालावाड़ है, उसी तरह इसका भी जन्म है, क्या है, उत्पादन, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी आम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, होरिजन ऑफ मैंगो, सेंटर ऑफ होरिजन, इनकी सेंटर ऑफ होरिजन भारत का, मतलब इसका जो कि मूल स्थान है भारत और ब्रह्मा, इनकी भारत में ही पैदा हुआ है आम, कहाँ से आया है आम, भारत के अंदर, और भारत से अन्य देशों तक पहुँचा है, कहाँ से पहुँचा है, भारत से, भारत ब्रह्मा के अंदर इसका होरिजन है, यानी कि इसके माता पिता भारत ही है, यानी कि जो मैंगो आम का पौधा है इसका माता पिता कौन है, भारत है। फल का प्रकार इन फ्रूट टाइप असिस्ट ड्रुप, इनके आम के फल को क्या बोलते हैं, अस्टील बोलते हैं, अस्टील यानी कि ड्रिप्स बोलते हैं। खाए जाने वाले भाग को ये पूछा जाता है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, यानी कि कौन सा भाग इसका अपन खाते हैं, गुटली को अपन नहीं खाते हैं, यानी कि
और छिलके को भी अपन नहीं खाते हैं, तो इसका क्या करते हैं, छिलके को उखाड़ कर फेंक देते हैं और गुठली को भी अपन फेंक देते हैं। जो बीच का यानी कि मध्य भाग है, यानी कि जो सेंट्रल भाग होता है इसका, ना तो अपन छिलके को खाते हैं ना हम गुठली को खाते हैं, और दोनों के बीच में जो रस वाला भाग होता है मिजोकार्प बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मिसोकार्प बोलते हैं। मध्य फल वित्त यानी कि मध्य फल वित्त यानी कि गुठली और उसकी जो आउटलेयर यानी कि बाहरी भाग होता है उसके मध्य वाला भाग को अपन क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ से पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका कि भारत मैंगो का यानी कि आम का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, या मूल स्थान, या कहाँ कहाँ है? तो भारत, बर्मा, इनकी दोनों में से एक भी हो सकता है, एक दोनों साथ में भी हो सकते हैं, तो ये याद रखना है। आगे चलें चलें आपको तो ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में उगाए जाने वालों फलों में आम सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्या है? फलों का राजा, यानी कि मैंगो क्या है, आम क्या है, हमारे देश के फलों का राजा, यानी कि फलों का राजा कौन है? आम है, इसी कारण इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इसका फल विटामिन ए, ध्यान रखो, जिसमें कितनी मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की, यानी कि 100 ग्राम फल के अंदर 4800 यानी कि 4800 IU, मतलब विटामिन ए 100 ग्राम मैंगो के अंदर आपको 4800 IU तक मात्रा मिलती है। कितना? 100 ग्राम अगर आप आम खाओगे तो उसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी होगी? 4800 IU मिलेगी आपको। ताजा फल के उपयोग के अलावा इसका उपयोग, मतलब ये बता रहा है कि अगर आप ताजा फल तो खाते हैं, उसके अलावा इसका क्या क्या उपयोग है। एक तो अचार, आपको सबको पता है कि अपन सीजन में अचार डाल देते हैं, अचार वैसे अपन कच्ची केरी का डालते हैं, तो अचार, अमचूर, अमचूर का मतलब होता है उसका चूर्ण होता है, उसके अंदर कुछ मिनरल कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, चटनी, स्वेक्स, मुरब्बा आदि उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना, अचार, अमचूर, चटनी, चटनी, स्वेक्स तथा मुरब्बा किससे तैयार किया जाता है भाई? तो आम से तैयार किया जाता है। आम उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लिख लो, नोट डाउन। मैंगो उत्पादन यानी कि आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये लिखा हुआ है प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, याद रखोगे? चलो ठीक है। अब अपने को पता है कि खेती कहाँ करनी चाहिए, इसकी इसके लिए जलवायु की आवश्यकता, कितनी बारिश की आवश्यकता होगी, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, कौन से क्षेत्र में आम। अब राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर में बहुत ज्यादा आम होता है। कारण क्या है कि वहाँ की जलवायु अपने जैसलमेर, बाड़मेर से अच्छी है, यानी कि वहाँ से कम टेम्परेचर होता है, वहाँ से अधिक, जबकि वहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर में आम नहीं होता, होता है लेकिन लिमिट है। तो इधर जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की बात करेंगे, जालौर की, सिरोही की बात करेंगे, तो वहां पे अधिक बारिश होती है। झालावाड़ में, कोटा बूंदी में भी आम होता है, तो वहां पे बारिश और टेम्परेचर कम रह बारिश तो ज्यादा और टेम्परेचर कम रहता है, इस कारण वहां पे अधिक बारी फलों की आम की खेती होती है। जहाँ जून से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि जून यानी कि 15 जून से 20 जून के आसपास और सितंबर तक बारिश होती है, तथा पुष्पन व फलन के समय मौसम साफ रहता है, यानी कि जहाँ पे बादल नहीं होते हैं, आंधियाँ नहीं चलती, क्योंकि आंधी चलने से, या क्योंकि गंगानगर में बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, तो वहाँ पे आम के फलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके फ्लावर बहुत नाजुक होते हैं और झड़ जाते हैं। तो इधर अपने जो उत्तरी राजस्थान है उसकी तरफ आंधियां कम चलती है और उसमें फ्लावर में मतलब जड़न नहीं होती, तो वहां पे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो आम की वृद्धि के लिए अपने को टेम्परेचर, लिख लो, नोट करो, आम की उत्तम वृद्धि के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? कहीं भी किसी भी कोचिंग में कुछ भी लिखा हो आपको, 12th एग्रीकल्चर ऑथेंटिक जो कि राजस्थान बोर्ड की बुक है, 24 से 27, यहाँ पे 24 नहीं 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, तो ये लमसम
जो पॉइंट को आपने अगर ये 24 नहीं हो 25 हो तो भी चलेगा, यहाँ पे 27 नहीं 28 हो तो भी चलेगा, लेकिन 40 और इधर 10 पे नहीं जाना, इधर 30 से ऊपर नहीं जाना और इधर 20 से नीचे नहीं जाना, तो ये आपको ध्यान रखना। तापक्रम सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, बहुत कम अधिक वर्षा वाले स्थान पर आम की खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, यानी कि जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है अधिक वर्षा होती है वहां पर आम की खेती करना उचित नहीं माना जाता। आम की उचित बढ़वार फलन के लिए जीवाश्म युक्त, यानी कि जो कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर, क्या वो जीवाश्म यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, गहरी बलुई दोमट मृदा मिट्टी जिसमें जल निकास यानी कि जिसमें वाटर ड्रेनेज की उचित व्यवस्था हो वहां पर अपन आम की खेती कर सकते हैं। ऐसी भूमि जो 2 मीटर गहरी अवरोधन न हो आम उत्पादन की अच्छी रहती है, यानी कि जहाँ पत्थर और नीचे साल्ट एसन ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भूमि का पीएच मान, आम की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 होना चाहिए, आम उत्पादन के लिए उत्तम रहता है। चूना युक्त कंकरीली पथरीली ऊसर भूमि के लिए खेती अनुपयुक्त रहती है, यानी कि अगर आप उधर जाओगे नागौर में तो वहाँ पे आम की खेती करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है, पता है आपको। अगर वहीं आप कोटा स्टोन वाली धरती के अंदर आप आम की खेती करोगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी। आप जैसे इधर आरोली वाला क्षेत्र है बिजोलिया में, वहाँ पे ऊपर माल में आप आम की खेती करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, पत्थर होता है, स्टोन होता है बहुत ज़बरदस्त, तो वहाँ पे भी आम की खेती करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है, मतलब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कुछ भी इधर उधर नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो किताब में लिखा है वही पूछने वाला है वहाँ से। अब इसकी आते हैं राजस्थान में या फिर इंडिया के अंदर कौन कौन सी उन्नत जो किस्में हैं आम की, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, उत्तरी भारत का मतलब होता है अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और राजस्थान। तो इनमें उत्तरी भारत का मतलब हो गया अपना, आपको बताया, फिर से बता दूं, राजस्थान, MP, हरियाणा और क्या बोलते हैं उधर दिल्ली NCR जो भी है उधर वाला एरिया है उनमें, उन्हें उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं। इसमें यूपी आ गया, राजस्थान आ गया, फिर इधर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, कुछ गुजरात का बॉर्डर आ गया। तो इनमें इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी यानी अगेती यानी कि जिसे अपन जल्दी, सपोज करो हमें फरवरी में या लास्ट मार्च में अपने को फल चाहिए, उन्हें अगेती बोल सकते हैं। मध्यम यानी कि मध्य जून से पहले अपने को फल चाहिए तो उन्हें मध्यम बोल सकते हैं। पिछेती जिनका लास्ट जुलाई तक भी अपने को फल मिल जाते हैं उन्हें पिछेती किस्म बोलते हैं। तो बॉम्बे ग्रीन, सरोली निम्न में से कौन सी, सरोली बॉम्बे ग्रीन का उपनाम है यानी कि इसकी हिस्सी का नाम है, केसर, ये बहुत जल्दी पककर तैयार होती है। इनकी आम की अगेती किस्में कौन कौन सी है, अगेती सामने लिखेगा बॉम्बे ग्रीन और केसर। मध्यम लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, अमरपाली। पचेती में लिखेगा चौसा, फजली। तो आपको मिलान करना हो सकता है डायरेक्ट ऐसे कि मध्यम कौन सी है, लंगड़ा है, अगेती कौन सी है, बॉम्बे ग्रीन है, पचेती कौन सी है, चौसा। तो अगेती के सामने लिख देगा चौसा लिख देगा, मध्यम के पीछे बॉम्बे ग्रीन लिख देगा, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको यहीं से क्वेश्चन पुट अप कर देगा। चारों चीजों को आपको, तीनों चीजों को याद रखना है, मध्यम कौन सी, अगेती कौन सी, पचेती कौन सी है। चौसा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको चौसा का मतलब होता है कि आप उस आम को या उस वेराइटी की आम को आप चूस कर मुंह से ऐसे करके खा सकते हो, यानी कि उसको काट कर नहीं खा सकते, उसके पीस बनाकर आप नहीं खा सकते, उसको केवल चूस कर, यानी कि चूसने का आनंद ही अलग होता है, और इसको आप, इसलिए उसे चौसा बोला जाता है। फजली, फजली भी उसी तरह होती है, जो मतलब उसका रस यूज किया जाता है, इनका मतलब इसमें गुदा होता है और रसलीला होता है, रस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको काटने से उसका साइज मतलब अपन पीस नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा रस होता है, इसलिए उसे चौसा या फजली कहा जाता है। मध्यम लंगड़ा होती है, दशहरी होती है, दशहरी को अपन काट कर नहीं खा सकते, इसको भी मतलब कच्चा अगर थोड़ा हल्का पका हुआ है तो उसको काट सकते हैं। मल्लिका है, अमरपाली है, और अगेती बॉम्बे ग्रीन है, सरोली जिसे बोला जाता है, केसर है। चलो आगे चलते हैं, अन्य किस्में पूसा अरुणिमा, आम की किस्में पूसा अरुणिमा,
पूसा सूर्य, पूसा लालिमा, यहाँ पे ध्यान रखना पूसा लालिमा अनार की भी होती है शायद मुझे लगता है, और बेर की भी हो सकती है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान रख लेना किस किस की होती है। पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, यहाँ पे अब एग्जामिनर का मतलब अगर उसे किस्म ही पूछनी है तो वो लास्ट तक जाता है कि कौन कौन सी दी रखी है, तो पूसा पूसा पीताम्बर पर जाकर उसका माइंड काम करेगा। तो किस्म किसकी है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा अंबिका, अरुणिका, सी आई सी एच, हाँ आजकल ट्रेंड है कि इंग्लिश वर्ड लिखेगा आई एस एच, किसकी किस्म है आई एस एच, आई एस एच किसकी किस्म है, तो ये आम की है, लखनऊ से विकसित की गए। अब ये लिख देगा निम्नलिखित में से लखनऊ द्वारा विकसित किस्में कौन सी है और किसकी है, तो आई एस एच तो आम की है, भारत से निर्यात। आगे चलते हैं, अल्फांसो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, अल्फांसो बहुत, इसे हाफुस के नाम से भी जाना जाता है, अल्फांसो को हाफुस, डायरेक्ट अल्फांसो नहीं पूछ के क्योंकि ये फेमस हो रखी है, तो आपको पूछ सकता हाफुस, हाफुस पूछ सकता है डायरेक्ट, हाफुस किस्म किसकी है, तो आम की है, किसकी है हाफुस किस्म आम की है। तथा अधिकतम उत्पादन देने वाली किस्म तोतापुरी बेंगलोरा, बेंगलोरा यानी कि तोतापुरी का विकास बेंगलोर से हुआ है इसलिए इसका नाम बेंगलोरा रखा गया है। तोतापुरी यानी कि तोते के जैसा मुंह होता है इसका तीखा, इसलिए इसे तोतापुरी बोला जाता है, और बेंगलोरा इसे बेंगलोर से विकसित हुई है इसलिए इसे बेंगलोरा भी बोला जाता है। अल्फांसो अधिकतम उत्पादकता देने वाली किस्म तोतापुरी बेंगलोरा है। सिंधु नामक आम की किस्म किस्म, हाँ ये याद रखो सिंधु लिखो, सिंधु किस्म किस किस के संकरण से प्राप्त है, रत्ना अल्फांसो से सिंधु, रत्ना अल्फांसो से सिंधु, यानी कि लगभग बीज रही थे इनकी सीडलेस वेराइटी, सिंधु सीडलेस सिंधु, बीज रहित सिंधु, बीज रहित सिंधु, बीज रहित सिंधु। आपको याद रखना है आम की निम्नलिखित में से कौन सी बीज रहित किस्म है, तो वो सिंधु है, और सिंधु किसका संकरण है, रत्ना व अल्फांसो, रत्ना यानी रत्नागिरी से विकसित किस्म है, याद रख लेना रत्ना कहाँ की है, रत्नागिरी है। अल्फांसो दोनों के संकरण से सिंधु का विकसित किया गया, सिंधु को बनाया गया है। लगभग बीज रहित इनकी 6 ग्राम अवशेष मात्रा गुठली होती है, 6 ग्राम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इसमें फल अनुसंधान केंद्र बेन गुरला बीएसके वी दापोली महाराष्ट्र, इनकी रत्नागिरी भी महाराष्ट्र में है और वे गुगुलरला भी महाराष्ट्र में है, तो ये सारी किस्में कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तो याद रखना रत्ना अल्फांसो के संकरण से सिंधु किस्म जो है जो आम की है, और ये बिल्कुल मतलब सीडलेस इनकी बीज रहित किस्म है। अब होता है आम का पौधा किस किस विधि द्वारा इनकी किस किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इनकी अपने पास आम लगाना है अपने को, तो उसको किन तरीकों से प्रवर्धन यानी कि उसका नया पौधा किस तरीकों से अपन बना सकते हैं, तो यह है उसे बोलते हैं अपन प्रोपोगेशन यानी कि पौधे से नया पौधा तैयार करने की विधियां कौन कौन सी होती है। आम को सामान्यतः आम को बीज यानी कि बीज डायरेक्ट गुठली से भी अपन पौधा लगा सकते हैं। वह वानस्पतिक विधियां यानी कि वानस्पति का मतलब होता है उसकी टहनी हो गई, उसका तना हो गया और उसकी पत्तियां हो गई, उनसे अपन नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो आम को बीज पहला तो होता है उसकी गुठली से, दूसरा होता है वानस्पति यानी कि उसके किसी भी कायक भाग से परिवर्तित किया जा सकता है। आम की व्यवसायिक किस्में यानी कि व्यवसाय का मतलब होता है व्यापारिक, जिनको अपन बेच सकते हैं, जिनको अपन किसानों को बेचकर अपना पैसा कमा सकते हैं, इसे व्यवसायिक किस्म किसे कहा जाता है, जिसे अपन बेचकर पैसा कमाते हैं। व्यवसाय का मतलब होता है जिन्हें अपन मार्केट में बेचते हैं, व्यवसाय का मतलब क्या होता है, जिन्हें अपन बेचकर पैसा कमाते हैं। एकल भ्रूणता यानी कि मोनो एम्ब्रियोजेनी यानी कि ऐसी किस्म केवल एक ही पौधा तैयार करती है, बहुत सारी अपने गुठलियां देखी होगी जिसमें दो पौधे निकल जाते हैं, उसे डबल एम्ब्रियोजेनी भी बोल सकते हैं अपन, मतलब एक ही गुठली के अंदर दो पौधे निकल जाते हैं, लेकिन ये जो होती है मोनो एम्ब्रियोजेनी होती है। क्या होती है, व्यावसायिक वाली जिसमें केवल एक एम्ब्रियो यानी कि एक पौधा ही एक गुठली से तैयार होता है, लेकिन जो देसी किस्में होती है ना कभी कभी उसमें दो
पौधे एक साथ एक गुठली से निकल जाते हैं। ये आप देखने को पहले के ज़माने हमने देखे हैं, आपको देखने को मिले या ना मिले, लेकिन हमने मैंगो बहुत देखे थे। हमारे घर पे भी बहुत हुए, मतलब थे, कुएं पे थे, तो अपन ने तो बहुत सारे मैंगो के पौधे छोटे हुए बारिश के दिनों में ही इसी टाइम पर बहुत पौधे उगते थे, हम उखाड़ के कहीं कहीं लगाते थे, लेकिन अभी तक मैंगो का पौधा हमारे वहाँ नहीं बचा, बहुत कम हो गए। मतलब ये बारिश और क्लाइमेट चेंज सारे ही रीजन है। मूलवृंत के रूप में उपयोग आने वाली किस्में, यानी कि मूलवृंत के रूप में, ये लिखो, नोट करो, डाउन करो। मूलवृंत का मतलब होता है कभी अपन, मतलब अच्छी वैरायटी की किस्म अगर अपन को तैयार करनी है। सपोज आप एक वैज्ञानिक हो, या आप या हाइब्रिड कर, मतलब नए पौधे तैयार करने वाली नर्सरी में आप काम करते हो, तो आपके पास क्या होता है, जब आप नर्सरी लगाते हो या नया पौधे लगाते हो, तो उसमें क्या करते हो आप, मूल वरंत का मतलब होता है दो पौधे आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दो पौधे आपस में जोड़ते हैं, यानी कि दो पौधे एक ही, जैसे आम के दो पौधों को मिलाकर एक पौधा तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ऊपरी भाग तो टहनी होगी, निचले वाला जड़ वाला भाग को मूल वरंत कहते हैं, जो जमीन में सटा हुआ होता है, जिसकी जड़ें निकलती है, और उसके कुछ यानी कि 1-5 इंच 10 इंच ऊपर काट कर दूसरा टहनी को अपन जोड़ देते हैं। आजकल उसे ग्राफ्टेड पौधे के नाम से जाना जाता है, या उसे कलमी पौधे बोले जाते हैं। तो निचले वाला जो भाग होता है छोटी अवस्था में, उसे मूलवरंत बोला जाता है। और आजकल जो नर्सरी वाले होते हैं, वो मूलवरंत के लिए अलग पौधे का यूज करते हैं, और ऊपर वाले जो मात्र वृक्ष, जिसे मदर प्लांट कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं। मूल रूप से ये चीज मैं बता रहा हूँ, सच में आपको बहुत, ये किताब बहुत कुछ बताती है, कहीं नोट्सों की जरूरत नहीं है। मूलवरंत लिखो, मूलवरंत का जड़ वाला भाग होता है, केवल इसकी जो जड़े पौधे को पानी पोषण देने का काम करती है, वो वाला वो भाग होता है। इसके ऊपर जब अपन ग्राफ्टिंग करते हैं, तो इसको मिनिमम कितना, 20 इंच 15 इंच के ऊपर से काट कर नया पौधा इसके ऊपर रोपित करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं उससे मूलवरंत के ऊपर। और वो जो होता है, वो मदर प्लांट आने वाली किस्में भूभ्रूणता पोले एम्ब्री जेनी होती है। अब आप समझो, यानी कि ऐसे किस्मों का अपन यूज करेंगे मूलवरंत के लिए, जो 2 से 3 पौधे निकालती हो, एक ही गुठली 2 से 3 पौधे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, केवल उनसे निचले वाला भाग चाहिए। क्या चाहिए, निचले वाला भाग। अगर अपन सपोज करो एक गुठली लगाते हैं, क्या लगाएंगे, एक गुठली लगा दी अपने, और उसी के साथ में 2 या 3 पौधे स्टार्ट होते हैं, उनके जब वो 15 दिन 20 दिन के हो जाएं, या एक, मतलब कहें कि 1 सेंटीमीटर मोटाई की हो जाए, तो तब उनके ऊपर 3 पौधे अपन लगा सकते हैं, उनको काट कर ऊपर से ज्वाइंटिंग कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पॉली एम्ब्रियो की आवश्यकता, मूलवरंत के लिए अपन पॉली एम्ब्रियो वाली वेरायटियों का, या बहुभूणता वाली वेरायटियों का चयन करते हैं, जैसे कि चंद्र किरण, मूल गोवा, ओल्यूर, पप्पाई काई, M13O1, वल्कम ओलम्बम, जो बोनापन व लवणीय सहनशील, इनकी, इनको क्यों लिया जाता है। देखो इधर, इस पैराग्राफ से आपको एक नर्सरी तैयार करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ से और यहाँ तक का जो ये पैराग्राफ है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है आपकी लाइफ में। कारण है क्योंकि ये इतनी चीज बता रहा है आपको, ये बोल रहा है कि मूल व्रंथ के लिए क्यों लेते हैं पोलिए बहुभूरणता वाली किस्में लेते हैं। कौन सी वाली लेते हैं, बहुभूरणता, यानी कि एक साथ 2-3 तने तैयार करने वाली वेराइटी। कारण आजकल नर्सरी वाले लगाते हैं इनको, क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही गुठली से, यानी कि एक ही गुठली से 3 या 4 पौधे तैयार कर सकते हैं, जो कि कौन कौन सी वेराइटी है, बहुभूरणता वाली, चंद्र किरण लिख लेना, मूल गोवा इनकी गोवा की वैरायटी है, ओल्यूर, बप्पाकाई, M13O1, वल्लाई कोलंबम, जो बोनापन इनकी, ये छोटे आम, जो अपन छोटी हाइट के मैंगो होते हैं ना,
उनके लिए ये मतलब इनका तना बढ़ता नहीं है, इनके ऊपर जो लगाओगे वही बढ़ेगा, ये बहुत कम बढ़ेगी। और साथ में साल्ट यानी कि लवणीय सहनशीलता को दर्शाती है। अच्छे गुणों वाले इच्छित पौधों को तैयार करने के लिए वानस्पतिक विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब जो वेराइटी अपने को अच्छी लगती है, जिसका स्वाद अच्छा है, उनको इनके ऊपर बडिंग ग्राफ्टिंग अपन कलम करके इसके ऊपर लगाते हैं। इन विधियों के में इनार्चिंग विनियर ग्राफ्टिंग, आम के अंदर कौन सी विधि प्रचलित है, लिखो आम के अंदर कौन सी विधि ग्राफ्टिंग की सबसे बेस्ट विधि है। इनार्चिंग किसमें की जाती है, आम में की जाती है। इनार्चिंग किसमें की जाती है, इनार्चिंग विनियर, वी का मतलब होता है, ऐसे लिख दूं इधर, ये हो गया सॉरी अरे सॉरी वन मिनट। एक मिनट, सॉरी मुझे भी थोड़ा लैपटॉप इतना अच्छा नहीं आता चलाना, इसके लिए थोड़ा सॉरी। मैं तो इसे भी आपके लिए ही कर रहा हूँ, मुझे इतना कुछ चाहिए भी नहीं। एक मिनट, बस ये आ गया। चलो शुरुआत करते हैं कि इन मैंगो में कौन सी विधि द्वारा प्रोपेगेशन या नया पौधा तैयार किया जाता है। इनार्चिंग विनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग, यानी कि आम के अंदर कौन कौन सी की जाती है। आम के अंदर तीन विधियों द्वारा ग्राफ्टिंग की जाती है, पहला तो इनार्चिंग विनियर ग्राफ्टिंग, दूसरा है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, तीसरा है स्टोन ग्राफ्टिंग, तीसरा नंबर का है स्टो ग्राफ्टिंग प्रमुख है। यहाँ विनियर स्टोन ग्राफ्टिंग विस्तृत विवरण किया जा रहा है। तो मतलब जो कमर्शियल होती है ना, जो अपन क्या करते हैं जब आम खरीदने जाते हैं ना, कोई भी बीजू पौधा नहीं होता, बहुत कम नर्सरी वाले बीजू पौधा देते हैं, क्योंकि वो चलने में बहुत टाइम लगता है, फूलन पौधे में फल बहुत दिनों बाद आते हैं। इसलिए क्या करते हैं ये नर्सरी वाले, इन विधियाँ विनियर विक का मतलब होता है ऐसे ऐसे, और इसको भी ऊपर वाले नीचे वाले पौधे को ऐसे काटा जाता है, जिसको अपन ये बहुगुणता वाली को यहाँ से तने पर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे ऊपर वाली जो लेते हैं उसको इस तरह काटा जाता है, और यहाँ पे पॉलीथिन बांध दी जाती है, और ये अपनी विनियर ग्राफ्टिंग विधि कंप्लीट है, और यहाँ पे पॉलीथिन लगा दी जाती है। तो ये आम विनियर ग्राफ्टिंग का मतलब समझे, ऐसे नीचे वाले तने को ऐसे काटा जाता है, देख रहे हो ये तना है नीचे वाला, और इसमें पौधा सेट किया जाता है ऊपर वाला ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे बीच में पॉलीथीन लगा दी जाती है, ठीक है। विनियर ये आम प्रवर्धन की सरल सबसे बेस्ट विधि है, सबसे सर्वोत्तम विधि विनियर ग्राफ्टिंग विधि आम की। और व्यवसायिक यानी कि जो व्यापारिक होते हैं ना, व्यवसायिक मतलब व्यापारिक जो नर्सरी वाले हैं, सबसे ज़्यादा इसी विधि से पौधे तैयार करते हैं। क्या करते हैं, पहले गुठली लगा देते हैं, और जो उनको अच्छा फल दिखाई देता है जिस पौधे की, उसकी कलम काट के वो इस पर विनियर ग्राफ्टिंग की विधि से तैयार करते हैं। विनियर ग्राफ्टिंग के लिए मूल वरण इनार्चिंग के समान ही तैयार किए जाते हैं। इनार्चिंग का आगे विस्तरण विवरण है, इसके लिए मूल वरण 20 सेंटीमीटर यानी कि जब उसकी लंबाई यानी कि गुठली के से पौधा तैयार किया उसकी लंबाई कितनी हो जाए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे
हिस्से पर 3 से 4 सेमे ये चीरा, इसको क्या बोलते हैं, चीरा लगाते हैं। चीरा लगावे, चीरे के आधार पर एक आधा तिरछा लगावे जिससे कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ जाए। वह शंकुशा का एक तरफ लंबे कमल आकार की चीरा लगाए, दूसरी छोटा कट लगावे। मूल ग्रंथ में कटी हुई शंकुशा को वो ठीक बैठा दे तथा पॉलीथीन, हाँ यहाँ याद रखने का, स्टार लगा लो भाई, ये स्टार है कि इन आर्चिंग ग्राफ्टिंग में पॉलीथीन जो यूज की जाती है उसका मोटाई कितनी होती है। इन आर्चिंग ग्राफ्टिंग कोई सी भी जो अपन कलम लगाते हैं उसको बांधने के लिए कौन कितनी मोटाई की प्लास्टिक यूज की जाती है, तो 200 गेज स्टार लगा लेना। कलमी या ग्राफ्टिंग केस में पौधों को बांधने के लिए कितने गेज की पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, 200 गेज की पॉलीथीन का। मूल वृंद का ऊपरी भाग लगभग, यानी कि मूल वृंद का ऊपरी भाग, ये जो भाग है यहाँ पे जड़े हैं वो लगभग 10 दिन बाद काट देने। ऊपरी भाग कितने दिन बाद काटना होता है, गुठली लगाने के बाद 10 दिन के बाद काट देने। कितने दिन बाद काट देते हैं गुठली लगाने के बाद में, 10 दिन बाद। विनियर ग्राफ्टी करने का कार्य भी इनार्चिंग की तरह जुलाई माह में ही उपयुक्त रहता है। ध्यान रखो आम में ग्राफ्टिंग करने का उचित समय कब है, आम के अंदर ग्राफ्टिंग करने का उचित समय जुलाई माह है। लिख लो, नोट करो, आम में ग्राफ्टिंग करने का उत्तम समय कब है, आम में ग्राफ्टिंग करने का उत्तम समय जुलाई माह है। कलम बंधने तो वांछित किस्में की 5 से 6 माह पुरानी स्वास्थ्य शाखाएं परोरा का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जब आप जिस, सपोज करो मेरे पास दशहरी आम है, क्या है मेरे पास दशहरी आम है, और इस पर जो नई शाखाएं फूट रही हैं ये वाली, ये कितने माह की होनी चाहिए, 5 से 6 माह की। इस आम पर ये कितने 5 से 6 माह की शाखाएं, 5 से 6 माह की शाखाओं को अपन यूज में लेंगे नया पौधा बनाने के। यहाँ से काट लेंगे इसको और इसका मतलब 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जिसके पत्ते हटा के उसको 2 दिन पहले पत्ते हटा देते हैं। ये एक साइंटिफिक मतलब टेक्निकल चीज़ है, जिसको भी अपने को टहनी को लेना है और उस पौधे पर लगाना है उसकी पत्तियां अपन 5-6 दिन पहले हटा दे ताकि उसमें भरपूर मात्रा में पोषण स्टोर हो जाए। अगर इसमें स्टोर हो जाएगा, पत्तियां हटा देंगे तो इसमें एक फुटान की अवस्था जल्दी आ जाएगी, इसलिए इसकी पत्तियां हटाते हैं क्या, उसमें पोषण पर्याप्त मात्रा में रह जाता है। शाखा प्रो का उपयोग करना चाहिए, शंकुर शाखाओं की पत्तियों को कलम बांधने के पत्ता, इधर देख लो शंकुर, यानी कि शंकुर को मतलब होता है, ये तो ये 2 भाग है, 1 और ये 2, इसको बोलते हैं शंकुर, इसको बोलते हैं प्रांकुर, यानी कि जड़। जड़ तो लेते हैं अपन जो गुठली का पौधा है, और शंकुर लेते हैं अपन वेराइटी या उचित किस्म, ठीक है, इसको शंकुर बोलते हैं, इसको जड़ वाला भाग बोलते हैं। शंकुर की पत्तियों को कलम बांधने के 1 सप्ताह पूर्व, क्या है मैंने पहले भी यही बोला था कि 6 से 7 दिन पहले ही हटा देते हैं। शंकुर प्रो में जिन्हें शीर्ष कलिकाएं फूल गई हो फूटने से पूर्व मात्र वृक्ष से प्रातः अथवा अधोलिखित तात्कालिक अनुसार आम को वृक्षों में खाद देनी चाहिए। गोबर की खाद दिसंबर सुपरफास म्यूरेट पोटास जनवरी माह में देना चाहिए, ये नहीं पूछने वाला, यहाँ से छोड़ दो। आम में जिंक की कमी के लिए 3% जिंक सल्फेट देना चाहिए, ठीक। फूलन से पश्चात पुष्पन से पश्चात करना चाहिए, ये ठीक है। अब है खाद व उर्वरक। गोबर की खाद प्रथम 15 साल तक, प्रथम 15 मंथ है, वर्ष है पता नहीं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, फिर 15 केजी लिखा हुआ है, ये भी कोई टेबल में नहीं दिया हुआ है। द्वितीय वर्ष 30 केजी, मतलब 1 केजी में है, यहाँ केजी है, 15 केजी देंगे फर्स्ट साल में। अपर अगर आम का पौधा लगा रखे हैं तो पहले साल में 15 केजी, दूसरे साल में 30 केजी, तीसरे साल में 45 केजी,
और चौथे साल में 60 केजी आम अपन आम को खाद और रख देते हैं, पांचवे वर्ष में 75 केजी दिसंबर में देते हैं, कौन से महीने में, दिसंबर में। सुपरफास्ट 0.25 केजी, 0.50 केजी, 0.75 और 1 केजी और जनवरी माह में देते हैं। एमओपी लास्ट में चौथे वर्ष में और पांचवे वर्ष में जनवरी में देते हैं। यूरिया 0.25, 0.75, 0.1 केजी और 1.25 केजी, इनके आधा भाग पुल आने के बाद मार्च और शेष भाग जून में देते हैं। ये तो यूरिया की मात्रा है। अब आगे आता है स्टोन या इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये स्टार लगा लो भाई। इपिकोटाइल विधि किसमें की जाती है? इपिकोटाइल विधि, इपिकोटाइल विधि आम में, इस विधि में गुठली के अंकुरित हुए होते ही, यानी कि जो बीज अपन ने लगाया था 8 से 15 दिन के अंदर बीजू पौधे वाले मूल और अंत में लगभग इसी मोटाई की, यानी कि जैसे सपोज करो पेन के आकार या पेंसिल के आकार का अपना पौधा हो गया, तो सेम उसी आकार की मोटाई की टहनी, जैसे अपन को लंगड़ा लेना है, दशहरी लेना है, उस वेराइटी की अगर अपने पास कली है या टहनी है उसको काट के लाना है, उसी मोटाई की सांकुर वेज खूटे आकार बनाते हुए मूल वरंत में इसे लगाने हैं, तो चीरा लगाकर पसा दिया जाता है। सफल कलम, सफल कलम देख रहे हो इसका मतलब क्या है, विकसित होना कितने दिन में। सफल कलम 2 से 4 सप्ताह में बढ़वार शुरू कर देती है, यानी कि कलम का आज आपने कलम बांधी, कलम बांध दिया दो पौधों को मिलाकर, मतलब इसको और इसको मिलाकर यहाँ पे अपने बांध दिया ये, तो ये कितने दिनों बाद चलेगी, 2 सप्ताह मतलब हो गए 14 से 4 सप्ताह का मतलब 14 से 28 दिन में, ये 28 दिन में चल पड़ेगी, ये ऊपर वाले की पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 14 से और 28 दिन के बीच में पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखना मेरे दोस्तों, बगीचों में आप कहीं सुपरवाइजर बन जाओगे, जब जाओगे तो आपको ऐसे ग्राफ्टिंग पौधे ही मिलते हैं। बगीचों में क्या होता है, आजकल के किसान सब बगीचे में ग्राफ्टिंग पौधे लगाते हैं, तो ये तो यहाँ पे सेम ऐसे ग्राफ्टेड पौधे होते हैं जहाँ पॉलीथीन बंदी होती है, और पौधे यहाँ से बढ़वार शुरू करते हैं, इधर से, इधर से। अब आप सोच रहे होंगे सर कि आप क्या बता रहे हो, मतलब जो मूल वरंत जो इसकी केवल एक ही क्वालिटी है, केवल ये लवणीय जमीन में या अधिक पानी सहने की क्षमता और कम बढ़ने की क्षमता के लिए ही लिया गया है, लेकिन फलों के लिए अपन ने ऊपर वाला पोर्शन लिया है, तो ये बढ़ रहा है और इसकी टहनियाँ चल रही है, तो अपन को इसको हटानी चाहिए और किसान को भी ये बोलना चाहिए कि इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, इनको तो अपन को एक दिन भी अगर एक पत्ती भी निकलती है उसको काट देना चाहिए। अगर ये बाग बढ़ता है और यही बड़ा होता है तो अपने को आम नहीं मिलेंगे, यहाँ केवल बढ़ता ही चला जाएगा, इससे खट्टे या अनवांटेड जिसकी अपन को आवश्यकता नहीं वो ऐसे फल मिलेंगे, लेकिन अपने को इसकी बढ़वार करनी है, इसकी बढ़वार के लिए ये शाखाएं अपन को यहाँ से हटानी है, समझ में आ रहे हो? तो ये चीज आपको नौकरी लगने के बाद भी किसानों को बताना है, ये चीज आपको कोचिंग में नहीं बताएंगे, ये गारंटी है मेरी कि अगर यहाँ से बढ़वार होती है ये फील्ड की जानकारी वाला ही बता सकता है आपको, नीचे से अगर बढ़ रही है तो इनको काटना होता है, और यहाँ से जहाँ कलम बंधी हुई है ऊपर वाले भाग अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, नीचे वाले पोर्शन से भाग बढ़ रहा है उसको हटाना होता है, ठीक है। पौधे लगाने की विधि, प्लांटिंग मेथड, उन्नत विधियों द्वारा प्रवर्धित किए गए पौधों का वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में रोपण किया जाना चाहिए, यानी कि आपको पता है आम सबसे बढ़िया सीजन कौन सा है लगाने का, वह है जुलाई अगस्त में, यानी कि अगर अपने पास ग्राफ्टेड पौधे हैं तो उन्हें जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए। उद्यान भूमि को समतल रोपाइए, तो एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होता है, ये तो हो गया अपना गड्ढे का आकार 1x1 आम के लिए कितना, और 10x10 सामान्य स्थिति में पौधे से पौधे की दूरी कितने रखते हैं, अगर अपन सामान्य आम लगा रहे हैं मतलब नॉर्मल, तो दूरी रखना चाहिए 10 से 10 मीटर, ये तो एक मतलब किताब के अनुसार है, लेकिन आम 10 मीटर तक फैल जाता है, आजकल के मतलब हाइब्रिड वेराइटी है तो नहीं फैलती है, लेकिन पुराने तरीके देसी वेराइटी है ये तो 15-20 तक भी रख सकते हैं,
लेकिन जो आजकल की ग्राफ्टेड है वो 10 मीटर 10 × 10 की दूरी पर लगाते हैं। 25 किलो गोबर की खाद, क्विनोल फॉस, ये सब ठीक है। कटाई सटी ट्रेनिंग प्रूनिंग, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है आगे चलते हैं। बस वहां से जहां मैंने बताया वहां से बहुत ज्यादा फैक्ट है। ये मैंगो फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, गुच्छा मोचा, इसको तो आप रट लेना। प्लांट प्रोडक्शन, आम की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं, मुख्य कीट अपन पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या नाम है और उनको नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो टेबल में आप ध्यान करो। कायिक विकार, इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कायिक विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है गुच्छा मुच्छा, जहां पर तो आपने आमने देख आम को देखा होगा काले काले घोंसले जैसे, जो उसका फ्लावर होता है ना वो काला होके और फ्लावर काले घोंसले की तरफ चेंज हो जाता है, मतलब उसमें आम नहीं आते हैं, उसमें फ्लावर को बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, उसे बोलते हैं गुच्छा मुच्छा। आपने सबने देखा होगा ऐसे, क्या बोलते हैं गुच्छा मुच्छा। इस रोग से प्रभावित पत्तियां एवं पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वह पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है तथा उपज प्रभावित विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभी तक इस रोग का स्पष्ट कारणों का पता नहीं लगा है। किताब क्या बोल रही है कि नहीं चल सका, अतः इसे कवक, माइट्स, कीट्स, हार्मोन्स यानी कि गुच्छा मुच्छा के कारण पूछ सकता है कि गुच्छा मुच्छा रोग का कारण क्या है। एक तो आता है कवक, दूसरा आता है माइट, तीसरा आता है हार्मोन्स यानी कि उसके रेगुलेशन रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर उसके अंदर पौधे के अंदर, उनके असंतुलन। वह वातावरण, वातावरण में कि नमी, मॉइस्चर और बारिश, टेम्परेचर, इन चीजों से भी वो रोग बढ़ जाता है, परंतु इसका प्रभाव को कम करने के लिए रोगी भाग इसको नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जहां भी अपने को गुच्छा दिखे उसे नष्ट करना चाहिए, पौधे से उनको निकाल कर अलग बाग पे ले जाकर या तो जमीन में दफना देना चाहिए या जला देना चाहिए। इसके साथ 200 ppm अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक अम्ल का छिड़काव सितंबर अक्टूबर में, यानी कि फ्लावरिंग से सितंबर अक्टूबर में फ्लावर आते हैं तो उस टाइम पर अपन इसको छिड़क दें तो भी अपना काम हो जाता है। इसके बाद शीघ्र आने वाले अगेती पुष्पक्रम को तोड़ देना चाहिए। देखो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि फूल जो जल्दी आता है उसको तोड़कर अलग कर देना चाहिए, यानी कि सारे फूल एक साथ खिलने चाहिए उनको रखना चाहिए, जो आगे आता है जल्दी आता है उसको हटा देना चाहिए। और अब आता है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप क्या होता है, ये भी आम की एक व्याधि है, रोग है। आम के उन बगीचों में पाई जाती है जो ईंटों, भाई साहब इतना फेमस क्वेश्चन है और ये अधीनस्थ चयन बोर्ड के दिमाग में जा रहा होगा कि ये तो पूछना ही हमें। तो ब्लैक टिप किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। किसके कारण होता है, क्योंकि भट्टों से निकलने वाली विषाक्त गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर विकार कारक है। इनकी ये किसके कारण होता है, एसिटाइलिन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इससे बचाव के लिए आम के ईंटों के भट्टों से दूर रखें तथा भट्टों में चिमनी ऊंची होनी चाहिए, साथ ही कास्टिक सोडा, यानी कि ब्लैक टिप से बचाने के लिए कास्टिक सोडा 0.8% तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.5 तथा बोरेक्स, बोरेक्स मतलब बोरॉन 1% का छिड़काव करना चाहिए। ब्लैक टिप के नियंत्रण के लिए कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 0.5% का छिड़काव करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई लोगों, समझ लेना। आम में मिलीबग, अगर ये टेबल में से क्वेश्चन नहीं आया तो अगली बार मैं कभी सुपरवाइजर के बारे में लोगों को नहीं बोलूंगा, भी तुम तैयारी करो या कुछ करो इस टेबल में से। कीट मिलीबग, मिलीबग देखा हो किसी, शायद अभी तक 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, देख भी लिया होगा लेकिन नाम नहीं जानते होंगे। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, BSC होल्डर जो देखते होंगे तो शायद आपने तो देख लिया होगा। मिलीबग होता है बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है और थोड़ा साइज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, ज्यादा छोटी भी नहीं होती, मीडियम साइज की होती है।
इतनी बड़ी होती है, जिसके इतनी बड़ी होती है यार, बिल्कुल वाइट होती है और बहुत सारी होती है, संख्या में चलती रहती है, बहुत सारी होती है एक साथ। इस कीट के निम्न मुलायम टहनियों, पुष्पकर्म, छोटे पल्लों को, डंठलों को एकत्रित होकर रस को चूसते हैं। मिलीबग क्या करती है? रस चूसती है। वाइट कलर की होती है। सर्च करके बताऊं? चलो टाइम तो लगेगा, मैं बता ही देता हूं। ये देखोगे आप, मिली बग, ये देखो कैसी होती है, ऐसी होती है मिली बग। अच्छे से जूम करके दिखाऊं, ये देख रहे हो, ऐसी होती है मिली बग, देख रहे हो मिली बग, ऐसे पैर होते हैं और ऐसी मिली बग होती है। ये क्या करती है? जहां ग्रीन बाग होता है एकदम, उसका रस चूसती है। क्या करती है? रस चूसती है, रस चूस के पौधे को हल्का कर देती है, बहुत नाजुक कर देती है उस पर, फिर उसके बाद में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, अलग अलग रोग हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है। और ये अभी वर्तमान में कपास, जिसके घर पे कपास हो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है, कपास के पौधों में मिलीबग, और उसके साथ में मऊ यानी कि मच्छर आ जाता है, तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चले आगे, मिलीबग दिखा दिया आपको। पेड़ के तने के चारों तरफ पॉलीथीन की ग्रीस, यानी कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? पेड़ के तने के चारों तरफ पॉलीथीन ग्रीस लगा सकते हैं। 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी जमीन की 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर दिसंबर माह में खेत की जुताई करें। यदि पेड़ पर मिलीबग चढ़ी गई तो इमिडा, ये तो फेमस है। अगर मिलीबग दिखाई दे सफेद सफेद कीड़े, तो आप 30.5 SC से 1.5 मिलीग्राम दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से पेड़ पर छिड़क सकते हैं। आम का फुदका, ये दूसरा कीड़ा है। इसका सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला भूरे रंग का बहुत छोटे कीट वेस आम के फफूंद छोटे तथा नई वर्दी का रस चूसता है। इसके लिए भी इमिडा का आप स्प्रे कर सकते हैं। छाल बक्षक यानी कि जो कैटरपिलर के नाम से जान जाते हैं, इल्ली के नाम से, तने में छेद करके छाल को खाती रहती है। तने के बहुत अंदर जाके का ये, इसको मारने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी या केरोसिन की जरूरत पड़ेगी या कीटनाशक क्विनोलफॉस की, उसके सुई से अपन भर सकते हैं। उसके बाद उसको जो उसका छेद होता है उसको मिट्टी से अपन बंद कर सकते हैं। सुवर्णी पपुन तैनियों पर श्याम वर्णक, इस तरह इस टेबल में से आप एक एक देख सकते हो क्या क्या इसके लिए कंट्रोल है। स्पंज एकांतर फलन, इसको देख लेना, स्पॉन्जी उत्तक तो नहीं आता, लेकिन यह है क्या, इसको बोलते हैं एकांतर फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेर नेरिंग बियरिंग, यानी कि एक साल फल आता है दूसरे साल नहीं आता। आपने सबने देखे होंगे कि जिसके घर पे मैंगो होता है या आम होता है, तो एक साल एक तरफ की टहनियों पर फल आ जाता है, दूसरी तरफ दूसरे साल के मतलब दूसरे साल फल आता है, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेर, पूरे मतलब पूरे पौधे पर फल नहीं आता, एक साथ नहीं आता, उसे बोलते हैं, और या फिर एक साल नहीं आएगा दूसरे साल आएगा, ऐसा होता है। एक पौधे पर ऐसा भी होता है कि एक साल में एक तरफ आएगा, दूसरे साल में दूसरी तरफ आएगा, या फिर एक साल बिल्कुल ही नहीं आएगा और एक साल आएगा, उसे बोलते हैं एकांतर अंतर फलन। आम की प्राय फसल में ऐसा देखा गया है कि पूर्ण विकसित आम के वृक्ष में एक वर्ष अच्छी उपज देता है, दूसरे वर्ष उपज कम या नहीं होती। आम के फलों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति को एकांतर अल्टरनेर और बियरिंग कहते हैं। जिस वर्ष अच्छी उपज होती है उसे
ऑन ईयर कहते हैं, इसको स्टार लगा लो। ऑन ईयर किससे संबंधित है? ऑन ईयर किससे संबंधित है? स्टार लगाओ, क्योंकि आपने ब्लांचिंग ब्लांचिंग पढ़ा होगा, लेकिन ऐसी वर्ड जो एकदम नए हैं, आपको नया लग रहा है लेकिन ये किताब में बरसों पहले लिखा हुआ है। तो ऑन ईयर किसे कहते हैं? ऑन ईयर का मतलब होता है एक साल फल देना। और ये क्रिया किसमें आती है, मतलब ये प्रोसेस किस में? आम में होती है। जिस वर्ष उपज बहुत कम नहीं होती उसे ऑफ ईयर कहते हैं। दो स्टेटमेंट देगा, ऑफ ईयर किस में होता है, ऑन ईयर किस में होता है। ऑप्शन में आम, मैंगो, मतलब इसमें भी दे सकता है। तो इसका अर्थ आपको अब ऑन ईयर ऑफ ईयर दशहरी, स्टार लगाओ, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो प्रतिवर्ष फल नहीं देती, ये किसमें? अच्छी है, लेकिन ये क्या है, इनमें दिक्कत क्या है? एक साल फल देती, एक साल नहीं देती। अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा प्रतिवर्ष फल नहीं देती। अल्टरनेटिंग बेरिंग समस्या, क्या बोल सकते हैं इसे? एकांतर फलन समस्या निम्नलिखित में से किन किन किस्मों के अंदर है? तो है दशहरी में, है लंगड़ा में, अल्फांसो में, यानी कि एकांतरण फलन की समस्या है। कुछ व्यवसाय किस्में आनुवंशिक गुण है, यद्यपि नीलम निरंतरण फलन, यानी कि प्रतिवर्ष नीलम निरंतरण, नीलम बेंगलोरा आदि प्रतिवर्ष फल देती है, किंतु इनकी गुणवत्ता स्त्रीय नहीं होती, यानी कि इस गुणवत्ता कमजोर होती है। नीलम रेगुलर फल देती है लेकिन इसकी गुणवत्ता कम होती है। बेंगलोरा भी निरंतर, इनकी रेगुलर फल देती है लेकिन इनकी गुणवत्ता कम होती है। अब इसके एकांतरण फलन को नियंत्रण कैसे करें, इनकी अगर ऐसा होता है कि एक साल पौधा फल दे रहा है, एक साल नहीं दे रहा है, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपन खाद उर्वरक वृद्धि नियम नियंत्रकों का प्रयोग कर सिंचाई निराई गुड़ाई गुड़ाई कीट व्याधि का नियंत्रण नियमित फलन की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, सितंबर अक्टूबर में पेरक, यहाँ से कोई फूचन नहीं आएगा। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नींबू फल, यानी कि नींबू वर्गीय। थैंक यू, धन्यवाद।